हाय एवरीवन, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो कुछ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ न्यू न्यू वीडियो लेके आई हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे सबसे पहला टिप्स है ये गेहूँ को लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब मैंने गेहूँ रखा है यहाँ पे। और हम लोग ना ये जो दलिया होता है ना, मार्केट से ख़रीदते हैं, तो आज मैं घर पे ही दलिया बना के तैयार करूँगी। दलिया में कितना ही एनर्जी होता है आप सबको पता होगा, तो इसलिए ना मैं दलिया घर पर ही बना के तैयार करूँगा। अगर आपके पास गेहूँ है तो इस तरीके से गेहूँ को ले लीजिए और इसे अच्छे से धो करके एक दिन सूखने के लिए दे दीजिए। और मिक्सी में रख करके इसे ना बस एक से दो चक्कर घुमाना है, उसके बाद देखिएगा हमारा परफेक्ट दलिया बन के तैयार रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा दानेदार दलिया बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पास गेहूँ है तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिए। मार्केट में तो कितना महंगा मिलता है पता ही होगा, और इसका खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आई होप को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अगला टिप्स है इस तरीके के दूध को लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दूध है, मैं 4-5 दिन अगर गर्म नहीं करे तो क्या होता है ना, फट जाता है ठंडी के मौसम में भी। तो ये फटे ना, और फटने से बच भी जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से हरी मिर्ची जो है ना, इसका थोड़ा सा इसमें डुबो करके और बॉयल करेंगे ना, तो ये फटेगा भी नहीं और अच्छे से हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा और ये बर्बाद होने से भी बच जाएगा। आई होप को आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स है किचन के सिंक को लेकर के। तो हमारे घरों में, सबके घरों में किचन में सिंक लगा ही होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हमें डेली रात को सोने से पहले ज़रूर साफ़ करना चाहिए। और इसके नीचे जो पाइप, ये ऊपर से तो दिखने में अच्छा रहता है, बट जिसके थ्रू पानी ये नीचे जाता है उसमें पाइप में बहुत ही गंदगी बैठी हुई रहती है, जिसके कारण ना स्मेल भी आते रहता है। और ये जो पाइप के थ्रू ना, रात को तो जब हम यूज नहीं करते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, इसके थ्रू, इस छिद्र के थ्रू आने लगते हैं, तो ये वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, डेली रात को सोने से पहले इसमें ना नमक और सोडे को ना थोड़ा सा मिश्र करके डाल देंगे और मॉर्निंग में इसे हटा देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी स्मेल भी नहीं आएगा और कीड़ा भी नहीं आएगा और हमारा पाइप भी क्लीन रहेगा, तो ज़्यादा लोग। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के सूज को लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग ठंड के मौसम में तो सूज यूज ही करते हैं, तो कुछ सूज में ये होता है ना कि इसका जो सोल होता है नीचे का अंदर का, वो घसा जाता है, जिसके कारण ना पूरा जूता ही बेकार हो जाता है। तो और हम, मेरे पैर में गड़ता भी है, तो इसके लिए हम ना क्या करेंगे, घर में कोई भी जो सॉक्स रखा हुआ रहता है उसको ना, जो यूज में नहीं रहता है, उस वो वाले सॉक्स को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इस तरीके से इसके अंदर में जो सोल लगा रहता है उसमें घुसा देंगे और बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और जितना एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसको काट के हटा देंगे, तो बहुत ही अच्छा हमारा सोल बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।